शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। आईबीसी 24 से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान दिया है, अब सरकार बताए अपनी उपलब्धियां। कांग्रेस सरकार से मांगेगी 1 साल के काम का श्वेत पत्र। ये कांग्रेस का कहना है कि इसी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस 1 साल का श्वेत पत्र मांगेगी कि अब तक क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस वक्त हमारे साथ हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? टीम भी अब मजबूत हो गई है, एक नया साथी आपको मिल गया है। देखिए, स्वाभाविक है, एक से दो बले और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है इस जीत से। और विधानसभा के अंदर 1 साल में जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे, जो सपने जो जनता के थे, दिखाती रही लेकिन पूरे नहीं कर पाई, इसको लेके हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी अपने 1 साल के कार्यकाल को लेके श्वेत पत्र लाए। मोहन यादव जी मौन रहेंगे कि कुछ बोलेंगे, ये तो आपको विधानसभा में पता चलेगा। बिना विधायक निर्मला सपरे को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हम लोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने 90 दिन में कोई फैसला नहीं दिया और निश्चित तौर से कांग्रेस उस स्टैंड पे है कि जो कांग्रेस के विरोध में काम कर रही है थी विधायिका, तो उसके लिए हाईकोर्ट में लगा दिया है। अब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट निर्णय करेगा। आखिरी सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, बार बार धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ से चादर फादर की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है इनको? देखिए, अब शास्त्री जी महाराज जी के अपने विचार हो सकते हैं लेकिन देश के विचार नहीं है। धन्यवाद। चलिए, ये थे उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष हैं और दावा कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में सरकार से 1 साल के रिपोर्ट कार्ड का पर चर्चा होगी और उनसे श्वेत पत्र के जरिए मांग की जाएगी कि मध्य प्रदेश में 1 साल के दौरान सरकार ने क्या किया है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल।